ब्रजेश दीक्षित अजीतमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एडी ब्रेक मॉडल के बारे में बताऊंगा। इसका प्रयोग हम लोग रेलगाड़ी की गति को धीमा करने में करते हैं। यह बहुत ही उपयोगी उपकरण है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह एक एडी करंट ब्रेक का मॉडल है। यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कंडक्टर में। इस ईएमएफ का मान मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और कंडक्टर की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। यदि कंडक्टर हमारी एक डिस्क है तो एक सर्कुलेटरी करंट, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं, डिस्क में जनरेट होता है, जो लेंज लॉ के अनुसार इसका डायरेक्शन उस करंट का इस तरीके से होता है कि वो उसको अपोज करता है, मूवमेंट ऑफ डिस्क को अपोज करता है। तो इसमें हमने दो मटेरियल लगा रखे हैं, एक तो हमारे पास मैग्नेट है और दूसरा ये सर्कुलेटरी डिस्क है। हम सबसे पहले सर्कुलेटरी डिस्क को तेज़ी से मूव करेंगे, उसके बाद एक इस पावरफुल मैग्नेट को इसके पास लाकर देखेंगे, देखें क्या होता है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिस्क को चलाना, घुमा रोटेट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि डिस्क बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगी है। जैसे ही हम इसमें ये पावरफुल मैग्नेट इसके पास लाएंगे तो लेंज लॉ के अनुसार और फैराडे लॉ के अनुसार ये देखिए आप डिस्क इसमें एडी करंट बन रहा है। डिस्क के सर्कुलेटरी करंट जनरेट हो रहा है, जिसको हम एडी करंट बोल रहे हैं, और डिस्क आपकी रोटेट करना बिल्कुल स्लो हो गई है। और जैसे ही हम इसको मैग्नेट को दूर लाएंगे वैसे ही आप देखेंगे डिस्क फिर अपने नॉर्मल पोजिशन पर रोटेट कर रही है। थैंक यू।